इसे कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। धारवाड़ की पहचान साहित्य से रही है, जिसने डॉक्टर डीआर बेंद्रे जैसे साहित्यकार दिए हैं। धारवाड़ की पहचान समृद्ध संगीत से रही है, जिसने पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल और बासवराव राजगुरु जैसे संगीतज्ञ दिए हैं। धारवाड़ की धरती ने पंडित कुमार गांधर्व, पंडित मल्लिकार्जुन मानसूर जैसे महान रत्नों को दिया है। और धारवाड़ की पहचान यहां के स्वाद से भी है। ऐसा कौन होगा जिसने एक बार धारवाड़ पेड़ा का स्वाद लिया हो और फिर उसका मन उसे दोबारा खाने का ना किया हो। लेकिन हमारे साथी प्रहलाद जोशी मेरे स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखते हैं, इसलिए उन्होंने आज मुझे पेड़ा तो दिया लेकिन बंद बॉक्स में दिया। साथियों, आज धारवाड़ में आईआईटी के नए कैंपस की दोहरी खुशी है। यहां हिंदी समझ में आता है इस तरफ? ये कैंपस धारवाड़ की पहचान को और मजबूत करने का काम करेगा। साथियों, यहां आने से पहले मैं अभी मंडिया में था। मंडिया में मुझे बेंगलुरु मैसूरु एक्सप्रेसवे कर्नाटका की और देश की जनता को समर्पित करने का सौभाग्य मिला। ये एक्सप्रेसवे कर्नाटका को दुनिया के सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी हब के रूप में और आगे ले जाने का रास्ता तैयार करेगा। अभी कुछ ही दिन पहले बेलगावी में कई विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ था। शिवमोगा में कुवेंपु एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन भी हुआ था और अब धारवाड़ में आईआईटी का ये नया कैंपस कर्नाटका की विकास यात्रा में नया अध्याय लिख रहा है। एक इंस्टीट्यूट के रूप में यहां की हाई टेक फैसिलिटीज आईआईटी धारवाड़ को वर्ल्ड के बेस्ट इंस्टीट्यूट के बराबर पहुंचने की प्रेरणा देंगे। साथियों, ये संस्थान भाजपा सरकार की संकल्प से सिद्धि का भी उदाहरण है। चार साल पहले फरवरी 2019 में मैंने इस आधुनिक इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया था। बीच में कोरोना काल था, काम करने में अनेक दिक्कतें थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे खुशी है कि चार साल के भीतर भीतर आईआईटी धारवाड़ आज एक फ्यूचरिस्टिक इंस्टीट्यूट के रूप में तैयार हो चुका है। शिलान्यास से लोकार्पण तक डबल इंजन सरकार
इसी स्पीड से काम करती है। और मेरा तो संकल्प रहता है जिसका शिलान्यास हम करेंगे उसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। होती है चलती है, शिलान्यास करो, पत्थर रखो और भूल जाओ वो वक्त चला गया। साथियों, आजादी के बाद कई दशकों तक हमारे यहां यही सोच रही कि अच्छे शिक्षा संस्थाओं का विस्तार होगा तो उसके ब्रांड पर असर पड़ेगा। इस सोच ने देश के युवाओं का बहुत नुकसान किया है। लेकिन अब नया भारत, नौजवान भारत इस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। अच्छी शिक्षा हर जगह पहुंचनी चाहिए, हर किसी को मिलनी चाहिए। जितने ज्यादा उत्तम इंस्टीट्यूट होंगे उतने ज्यादा लोगों तक अच्छी शिक्षा की पहुंच होगी। यही वजह है कि बीते 9 वर्षों में भारत में अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की संख्या लगातार बढ़ रही है। हमने एम्स की संख्या 3 गुना कर दिया। आजादी के बाद 7 दशकों में जहां देश में सिर्फ 380 मेडिकल कॉलेज थे, वहीं पिछले 9 वर्षों में 250 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। इन 9 वर्षों में देश में अनेकों नए IIM और IIT खुले हैं। आज का ये कार्यक्रम भी भाजपा सरकार की इसी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। साथियों, 21वीं सदी का भारत अपने शहरों को आधुनिक बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। भाजपा सरकार ने हुबली धारवाड़ को स्मार्ट सिटी योजना में शामिल किया था। आज इसके तहत यहां अनेक स्मार्ट परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है। इसके अलावा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी गई है। टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट गवर्नेंस की वजह से आने वाले दिनों में हुबली धारवाड़ का एक क्षेत्र विकास की नई ऊंचाई पर जाएगा। साथियों, पूरे कर्नाटका में श्री जयदेव हॉस्पिटल ऑफ कार्डियोवास्कुलर साइंसेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पर भी बहुत भरोसा किया जाता है। इसकी सेवाएं बेंगलुरु, मैसूरु और कलबुर्गी में मिलती है। आज हुबली में इसके नए ब्रांच की आधारशिला रखी गई है। इसके बनने के बाद इस क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। ये क्षेत्र पहले से ही हेल्थ केयर हब है। अब नए अस्पताल से यहां के और ज्यादा लोगों को फायदा होगा। साथियों, धारवाड़ और उसके आसपास के क्षेत्र में पीने के साफ पानी को उपलब्ध कराने के लिए भी केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत यहां 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजना का शिलान्यास हुआ है। इसके द्वारा
रेणुका सागर जलाशय और मालाप्रभा नदी का जल नल के जरिए 1.25 लाख से ज्यादा घरों तक पहुंचाया जाएगा। धारवाड़ में जब नया वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट बनकर तैयार होगा तो इससे पूरे जिले के लोगों को फायदा होगा। आज तुपरीहल्ला फ्लड डैमेज कंट्रोल प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखी गई है। इस प्रोजेक्ट के द्वारा बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा। साथियों, आज मुझे एक और बात की बहुत प्रसन्नता है, कर्नाटक ने कनेक्टिविटी के मामले में आज एक और माइलस्टोन को छू लिया है और कर्नाटक को ये गौरव दिलाने का सौभाग्य हुबली को मिला है। अब सिद्धरूदा स्वामी जी स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है।